हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो एज 14 न्यू फ़ोन है, तो मोटो एज 14 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, तो होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं मोटो एज 14 न्यू फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो सिंपली आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। फिर ओपन होते ही आपको सेटिंग्स वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हमारे फ़ोन में इस तरीके से ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग है, उसको आप सेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको स्लाइड करते जाना है सिस्टम सेटिंग पर। क्लिक करते ही सिस्टम सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। डेट एंड टाइम सेटिंग्स पे क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टाइमिंग का। तो टाइमिंग पे क्लिक करके जो भी आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग वगैरह को यहाँ से सेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जो भी टाइमिंग वगैरह होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को भी आप सेट कर सकते हैं और साथ में इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपली आप यहाँ से सर्च करके भी सेटिंग्स पर जा सकते हैं। आप सर्च करते हैं टाइम, तो टाइम सर्च के टाइम का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, जिस पर आप टैप करके टाइमिंग सेटिंग्स पे चले जाएंगे और ये हाईलाइट हो जाएगी। इसके जरिए आप होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग वगैरह को आप स्लाइडिंग करके चेंज कर सकते हैं और इसका यूज़ भी कर सकते हैं अपने मोटो फ़ोन में। और जैसे आप डेट वगैरह चेंज करना चाहें तो डेट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं। या टाइमिंग को ऑटोमेटिकली सेट करना चाहें तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो टाइमिंग है होम स्क्रीन क्लॉक का हमारे फ़ोन में सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से होम स्क्रीन क्लॉक टाइमिंग को आप सेट कर सकते हैं मोटो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। वीडियोस